अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अलीम फ्रॉम स्किल्स एकेडमी। आज वीडियो में हम चेक करेंगे कि हम किस तरीके से वो यूआरएल फाइंड कर सकते हैं जिनके साथ पैरामीटर्स यूज हो रहे हो। तो उसके लिए आप ओपन करेंगे स्क्रीमिंग फ्रॉग। यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल लिखेंगे और स्टार्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब ये 10 मिनट लगाएगा क्रॉल में। क्रॉल कंप्लीट हो गया, उसके बाद जाएंगे इंटरनल में। तो यहाँ पे हम वो यूआरएल देखेंगे जिनके साथ क्वेश्चन मार्क यूज़ हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये दो यूआरएल हैं, उसके अलावा कोई यूआरएल नज़र नहीं आ रहा जिसके साथ क्वेश्चन मार्क यूज़ हो रहा हो। तो हम इन लिंक्स में देखेंगे कि ये कहाँ से लिंक हो रहे हैं। तो ये एडमिन पैनल से लिंक हो रहे हैं। ओपन करेंगे एडमिन पैनल। उसके बाद इन्हें कॉपी करेंगे और इंस्पेक्ट, यहाँ पे कंट्रोल एफ। उसके बाद ये हमें बता रहा है कोर्सेज की यूआरएल। तो बेसिकली ये वो कोर्सेज हैं जिनको कॉन्फ़िगर नहीं किया गया और इस वजह से ये ऐसे शो हो रहे हैं, पब्लिश भी नहीं हुए अभी तक। तो हम पब्लिश करेंगे तो इनका यूआरएल फिक्स हो जाएगा और वहाँ से गायब हो जाएंगे। इस तरीके से आपने कोशिश करनी है कि जितने भी इंटरनल लिंक्स हैं उनमें पैरामीटर यूज़ ना हो, ताकि लिंक जो सही तरीके से पास हो और सही इंटरनल लिंकिंग हो और आपकी दूसरी पोस्ट भी रैंक करें। वीडियो देखने का शुक्रिया।